केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंज में पहुंची से तीन दिनिया गस्तर पोर्ट ब्लेयर में पहुंची थे। अमित शाह पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल व कालापाणी परिदर्शन करते से ही कोठरी परिदर्शन करते जो विनायक दामोदर सावरकर कारावास रही थे। 1911-1921 पर्यंत सावरकर एठारे बंदी रही थे। यह अवसर में शाह कहते जो ब्रिटिश मानक द्वारा निर्मित यह सेलुलर जेल हूँ देशर लोकों पर सबुठ बड़ तीर्थस्थान से सावरकर जी कहते जे तीर्थयात्री मध्य यह एक महान तीर्थयात्रा जोठार अनेक लोक भारत स्वाधीनता बलिदान देते। केन्द्र गृहमंत्री यही अवसर में 1938 पर्यंत एठारे रखा जा समस्त स्वाधीनता संग्रामी नाम तालिका पढ़ी। आज जब हम यहां बैठे हैं वीर सावरकर को याद करे बगैर कैसे जी सकते कैसे जा सकते। सेल्यूलर जेल को सावर जी के मनोभाव से तीर्थ स्थान बनाने का काम सावरकर जी ने करा। उन्होंने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि कितने भी जुर्म कर लो कितनी भी यातनाएं दे दो कितने भी अमानवीय बर्ताव कर लो मगर मेरे अधिकार को आप रोक नहीं सकते और मेरे देश को स्वतंत्र करने का मेरा अधिकार है ये जन्मसिद्ध अधिकार है इसकी सिद्धि यहां वीर सावरकर ने करी। आज मैं उनको जहां रखा था वहां पर भी जाकर आया। इसके सामने ही फांसीघर इसके सामने ही कोलू के अंदर बैल की जगह हमारे स्वतंत्र सेनानियों को छोड़कर तेल निकालने वाली स्थली भी उसके सामने ही पूरी बेड़ियों की जंजीरों में रोककर बांधकर कोड़े से देने की सजा का स्थल भी हुई। न जाने 10 साल के अंदर सावरकर जी ने कितने कितने अत्याचारों का यहां अनुभव किया होगा और 10 साल के अंदर सावरकर जी ने कितने फांसी पर चढ़ते हुए वीर स्वतंत्र सेनानियों का अंतर्नाद भी सुना और फिर भी दृढ़ता के साथ वीर सावरकर स्वतंत्र संग्राम के जुड़े। मित्रों वीर सावरकर को वीर की उपाधि कोई सरकार ने नहीं कोई प्रशासन ने नहीं दी 130 करोड़ की जनता ने मन से सावरकर जी के आगे वीर शब्द को जोड़ा है वो उनके पराक्रम और उनकी देशभक्ति को एक्नोलेज करने के अनुमोदन करने के लिए।